हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनातन और आज हम लोग जानने वाले हैं एक माइक्रोवेन में इनसाइड में माइक्रोवेन का इनसाइड में जितना भी सर्किट या माइक्रोवेन में ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल जितना भी वायरिंग होता है वो सब वायरिंग के बारे में आज जानने वाले हैं। कौन सा वायर कहां पे जुड़ा हुआ है और कौन सा वायर कहां पे लगा है ये हम लोग आज जानने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहले इलेक्ट्रिकल डायग्राम में जो आता है सबसे फास्ट आ रहा है हमारा जो लाइन न्यूट्रल आ रहा है हमारा फिल्टर सर्किट में। एक छोटा सा फिल्टर सर्किट है फ्यूज के आगे, वही हमारा फिल्टर सर्किट में आ रहा है। फिल्टर सर्किट में लाइन आ रहा है सीधा फ्यूज पे, फ्यूज से जो हमारा मेन फ्यूज है, मेन फ्यूज से आएगा हमारा जो बॉडी थर्मोस्टेट स्विच है। जो बॉडी थर्मोस्टेट स्विच यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होता है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉडी थर्मोस्टेट स्विच से सीधा जा रहा है हमारा डोर स्विच का जो ऊपर वाला डोर स्विच है, ये प्राइमरी स्विच ऊपर वाला डोर स्विच है, इस डोर स्विच का ऊपर वाला पिन कॉमन पिन पे आ रहा है। ठीक है, कॉमन पिन पे आ रहा है, ये कॉमन पिन या थर्मोस्टेट स्विच के बीच से हम एक वायर जोड़ने वाले हैं। यहाँ से भी जोड़ सकते हैं हम और प्राइमरी स्विच के यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। मैं शॉर्टकट में यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, आपको जोड़ के हमारा लाइन जा रहा है हमारा यहाँ पे बल्ब पे जाएगा, मेन फैन जो है वहाँ पे भी जाएगा, कन्वेक्शन फैन है वहाँ पे भी जाएगा और हमारा कन्वेक्शन जो हीटर है हीटर पे भी मेन लाइन सप्लाई हो जाएगा सीधा। थर्मोस्टेट स्विच के बाद थर्मोस्टेट स्विच है बॉडी थर्मोस्टेट स्विच के बाद फेज सीधा जा रहा है हमारा एक डोर स्विच पे जा रहा है और जा रहा है हमारा बल्ब पे, जा रहा है हमारा मेन फैन में जो कूलिंग फैन मैग्नेट्रॉन के पीछे जो, और जा रहा है हमारा कन्वेक्शन फैन और हमारा कन्वेक्शन हीटर में जा रहा है। और हमारा जा रहा है सीधा एक तो पीसीबी में जा रहा है हमारा, ये हमारा पीसीबी में हमारा लाइन भी दे दिया मैंने। ठीक है, प्राइमरी स्विच के बाद प्राइमरी स्विच से आ रहा है, ये प्राइमरी स्विच का डोर स्विच ऊपर वाला डोर स्विच है, ये प्राइमरी स्विच का ऊपर कॉमन वायर, ये जब डोर खोलते हैं ये आपस में क्लोज ओपन हो जाता है। ठीक है, डोर लगाने के बाद डोर क्लोज करने के बाद या डोर बंद करने के बाद ये हमारा जोड़ जाते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद लाइन यहाँ से डिलीवर होके कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ पे जो हमारा जो ग्रिल हीटर है एक ग्रिल हीटर पे जाएगा और एक तो जाएगा हमारा जो मैग्नेट्रॉन के ऊपर में जो थर्मोस्टेट स्विच है एक तो वो थर्मोस्टेट स्विच पे जा रहा है ये हमारा 140 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। ठीक है, और ये जो थर्मोस्टेट स्विच है ये थर्मोस्टेट स्विच से आउट हो रहा है, थर्मोस्टेट स्विच के से आउट होके जा रहा है हमारा ये जो मिडिल वाला डोर स्विच है, इसको हम मॉनिटरी स्विच या सेकेंडरी स्विच ही बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा थर्मोस्टेट स्विच है थर्मोस्टेट स्विच से आउट होके जा रहा है हमारा जो सेकेंडरी स्विच या मॉनिटरी स्विच का जो कॉमन पिन है, ये हमारा कॉमन या नॉर्मल पिन है, यहाँ पे जा रहा है सीधा जा रहा है हमारा कॉमन पिन डोर ये लॉक ये हर टाइम ओपन है, ये हमारा ओपन और ये क्लोज है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं जब डोर खोलने के टाइम, डोर बंद कर दिया तो ये आपस में यहाँ से छोड़ के हमारा इसमें क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होने के बाद ये हमारा जो लाइन है लाइन सीधा जा रहा है हमारा यहाँ पे आउट होके हमारा जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है ये हमारा ट्रांसफार्मर और हमारा जो ट्रान मोटर या रोटेशन मोटर है इस रोटेशन मोटर में जा रहा है। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर और रोटेशन मोटर पे जा रहा है। फिर बोल रहा हूँ मैं, ये जो थर्मोस्टेट स्विच मैग्नेट्रॉन थर्मोस्टेट स्विच है ये थर्मोस्टेट स्विच से होके जा रहा है हमारा जो डोर स्विच का मिडिल वाला स्विच है, ये डोर स्विच का मिडिल वाला स्विच पे कॉमन पिन पे जा रहा है, ये कॉमन पिन से आउट होके डोर बंद करने के बाद यहाँ पे आउट होके लाइन सप्लाई जा रहा है हमारा
रोटेशन मोटर और ट्रांसफार्मर पे जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा मिडिल लास्ट वाला डोर स्विच है, ये लास्ट वाला डोर स्विच सीधा जाएगा हमारा पीसीबी पे जाएगा, ये दोनों सीधा जाएगा पीसीबी। इसका काम होता है क्या, डोर लॉक हुआ या नहीं हुआ ये पीसीबी को सेंस करता है, डोर लॉक हुआ या नहीं हुआ ये पीसीबी को सेंस करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे सिंबल कर दिया मैंने। ठीक है, ये सीधा जा रहा है हमारा पीसीबी पे जा रहा है, जो इसका काम होता है क्या, पीसीबी को सेंस करता है जो डोर लॉक हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो लाइन है ये लाइन का काम खत्म हो चुका है, हर जगह में हम लोग लाइन का सप्लाई दे दिया। ठीक है, अब बारी हमारा न्यूट्रल की। ठीक है, हमारा न्यूट्रल हम लोगों ने ये आएगा हमारा जो पीसीबी में, ये हमारा पीसीबी में तीन रिले है। ठीक है, पीसीबी में तीन रिले है, पीसीबी में जो तीन रिले है इस तीन रिले पे हम लोग सप्लाई दे देंगे। ठीक है, पीसीबी से तीन रिले के ये हमारा पीसीबी में तीन रिले में न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, और एक तो सप्लाई जाएगा हमारा जो पीसीबी में मेन न्यूट्रल पे जाएगा, और एक तो न्यूट्रल जाएगा सीधा हमारा यहाँ पे जो डोर स्विच में जो मिडिल वाला स्विच है यहाँ पे सीधा न्यूट्रल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल देने का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल देने का मतलब यह है, ये हमारा न्यूट्रल सेफ्टी के लिए काम करता है। ठीक है, ये हमारा जो डोर स्विच में जो ऊपर वाला स्विच है, इस स्विच का काम होता है हमारा जब दरवाज़ा खुला रहेगा तो ये आपस में लाइन सप्लाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ से लाइन यहाँ पर सप्लाई नहीं देगा, अगर दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये लाइन सप्लाई देगा यहाँ से। ठीक है, और जो सेकंड जो मॉनिटरी या सेकेंडरी स्विच है जो मिडिल वाला, इसका काम होता है जब दरवाज़ा खुला रहेगा तो ये न्यूट्रल यहाँ से सप्लाई देगा। ठीक है, और जब दरवाज़ा हम लोग बंद कर दिया तो ये यहाँ से लाइन काट होकर इस पिन से लाइन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लाइन कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा कभी भी ये जो स्विच है ये स्विच प्रॉब्लम हो गया, हमारा कभी भी ये स्विच प्रॉब्लम हो गया तो ये क्या करेगा, दरवाज़ा खुला रहेगा या दरवाज़ा बंद रहे ये कंटिन्यू लाइन पास करेगा। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू लाइन पास करते रहेगा, लाइन पास करने के बाद क्या होगा, हमारा ग्रिल जो है ग्रिल पे भी हमारा लाइन आएगा, और हमारा जो टी स्विच से यहाँ पे जो सेकंड वाला स्विच है इस स्विच से भी लाइन हमारा आ रहा है। लाइन आने के बाद क्या होगा हमारा जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और जो रोटेशन मोटर है, इस ट्रांसफार्मर और रोटेशन मोटर में लाइन आएगा, और ट्रांसफार्मर पर लाइन आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे जो हमारा जो मैग्नेट्रॉन है ये हमारा हीटिंग स्टार्ट करवाएगा, ये हमारा हीटिंग स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे लाइन आ रहा है तो हीटिंग स्टार्ट करवा देगा, तो हमारा यहाँ पे दरवाज़ा खुला है तो हीटिंग स्टार्ट भी हो गया तो क्या होगा, हमारा कोई एक्सीडेंट हो सकता है या करंट भी मार सकता है, बॉडी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल दिया है। तो हमारा दरवाज़ा खुला रहा है और हमारा यहाँ पे न्यूट्रल भी नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाइन सीधा पास हो जाएगा। अगर दरवाज़ा खुला रहे यहाँ से लाइन आ रहा है तो ये क्या करेगा, हमारा यहाँ पे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा और हमारा जो फ्यूज है यहाँ पे फ्यूज कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन आ रहा है तो न्यूट्रल लाइन सब शॉर्ट होगा, तो फर्स्ट टाइम हमारा फ्यूज काटेगा या हमारा जो माइक्रोवेव के लिए जो एमसीबी है वो एमसीबी ट्रिप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट सर्किट से ये बचा लेगा हम लोगों को। ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होने देगा, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है। ये जो रिले है ये रिले सीधा एक तो इन हो चुका है, आउट होके सीधा जाएगा हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे जाएगा, ट्रांसफार्मर पे जाएगा, और एक तो रिले यहाँ पे यहाँ से जाएगा सीधा हमारा
ये जो ग्रिल है इस ग्रिल हीटर पे जाएगा, हमारा ये रिले से लाइन आउट होके सीधा जा रहा है ग्रिल हीटर पे। एक ग्रिल हीटर का रेजिस्टेंस होता है कितना, ग्रिल हीटर का रेजिस्टेंस होता है 46.5 किलो ओम्स, 46.5 किलो ओम्स इसका रेजिस्टेंस होगा। और ये जो हमारा लास्ट वाला जो रिले है, ये लास्ट वाला रिले से रिले का जो आउटपुट है, ये आउटपुट सीधा जाएगा हमारा जो यहाँ पे कन्वेक्शन हीटर है, ये कन्वेक्शन हीटर पे जाएगा, ठीक है। या कन्वेक्शन हीटर या जो बैक हीटर है वो इस बैक हीटर या कन्वेक्शन हीटर पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप ये बारी इसका, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल भी पीसीबी से आउट होके जा रहा है, कहीं पे जाएगा, हमारा जो एक जो बल्ब है, एक रोटेशन मोटर है, एक रोटेशन मोटर है, दो बल्ब है, तीन मेन फैन है, चार कन्वेक्शन फैन है, ये चारों जाएगा हम लोग लाइन दे देंगे, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये चारों जाएगा हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से सीधा आउट होके सीधा न्यूट्रल इधर पे जाएगा। ठीक है, अब बारी हमारा जो मैग्नेट्रॉन ट्रांसफार्मर का, और जो मैग्नेट्रॉन है जो ट्रांसफार्मर है इसका हम कैसे डायग्राम वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर पे न्यूट्रल भी आ गया यहाँ से सीधा, ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल इस रिले से आ रहा है, ठीक है, सीधा आ रहा है। और ट्रांसफार्मर पे जो आउट हो रहा है, ये हमारा हाई वोल्टेज फ्यूज का है, ठीक है, हमारा हाई वोल्टेज फ्यूज का है ये, यहाँ पे ये हमारा मैग्नेट्रॉन है और ये हमारा जो है कैपेसिटर है, ये फ्यूज से आएगा सीधा ये कैपेसिटर में आएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से जो हमारा सेकेंडरी स्विच, सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल से आएगा सीधा एक मैग्नेट्रॉन पे आएगा, ठीक है। और दूसरा आएगा एक मैग्नेट्रॉन पे आएगा और एक कैपेसिटर से होके यहाँ पे भी आएगा, कैपेसिटर होके यहाँ पे भी आएगा और यहाँ से एक डायोड होगा, ठीक है, ये डायोड है हमारा, डायोड है, ये हमारा मैग्नेट्रॉन है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में है। ये हमारा ये दोनों प्राइमरी कॉइल है, ये दोनों प्राइमरी कॉइल फेस आया और न्यूट्रल आया तो ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होगा। ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होने के बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर आउटपुट है, ये हमारा तीनों आउटपुट होता है ट्रांसफार्मर से, ठीक है। ट्रांसफार्मर तीनों आउटपुट होकर एक लाइन आ रहा है फ्यूज से, फ्यूज होकर आ रहा है कैपेसिटर पे, ठीक है। और दोनों आ रहा है, एक तो सीधा आएगा मैग्नेट्रॉन पे और एक तो वायर आएगा, एक तो मैग्नेट्रॉन पे आएगा और एक तो कैपेसिटर में आएगा जो हमारा हाई वोल्टेज कैपेसिटर है 1 mmT का, ठीक है। और एक कैपेसिटर से आएगा हमारा, एक डायोड भी होगा कैपेसिटर से अटैच होगा जो हमारा मैग्नेट्रॉन पे जो वायर है इस वायर पे होगा। इस ट्रांसफार्मर इस जो फ्यूज है, इस फ्यूज से हमारा डायोड नहीं होगा, ठीक है। ये होता ये है हमारा जो माइक्रोवेन है इसका इजी डायग्राम। आप लोगों को समझाने के लिए मेरे तरफ से जितना भी हो सके इतना कोशिश किया मैंने। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और डायग्राम पे कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं।